हाथ जोड़ के बेनती है हम थोड़े रूप मंच से हो गए बापू मन सारेनु सत श्री अकाल। बाबा गुरु नानक देव जी के चरणा च मथा टेकन वाले सारे मेरे वीर गज गया को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो बड़ी इस अंदोलन दे करदे भाई इधर हो गए ओके। सब तो बड़ी खुशी साढ़े हिस्से आई है जिदे च सब तो बद योगदान ये साढ़े कबड्डी वाले नौजवानों का ते मंगी ते बाकी साथी ते उतो वड्डा योगदान साढ़ा छोटा वीर मनदीप ते गाजी होरां दा जिन्होंने बैठ के एक सलाह बनाई ते सानू भी शामिल करिया। सो जिहड़ी चिरां तो एक गल आम पिंडां च रड़कदी सी कि एका नहीं ओ अज एका हो गया तो एक नारा बाबा जी दे चरणां जप्पां इह कह के लाउणा है कि भविख च बच्चे बुढ़े बजुर्ग नौजवान साडा इको राह है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर असी ये अंदोलन जितना है। और गज के अगो वाहेगुरु जी का खालसा। छोटे छोटे तकरार कई बार सानू एक दूजे तो बहुत दूर कर देने परमात्मा करे कि साडे च तकरार ना हो और असी रल के चलिए। और ये तो भी अगे जाके असी ये सोचना है कि इस अंदोलन नू जे लंबा चलता है तो ये पैसे की बचत किमें करनी है तो टोलियां बना के असी बारों बारी किमें दिल्ली पहुँचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तो जितया जिता है ये तो जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा जहा राउंडी है ढीठ है हार नहीं मानता। सो गुरु के चरणों में बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घर आवे मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके असी उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असी भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं सानू कोई दुश्मन नहीं लगता साडी लड़ाई जरूर है पर असी कदे किसी का माड़ा नहीं सोचते। और अगां भविख च असी कोशिश ये भी करते हैं अपराला तो इन्हां जथेबंदियों ने भी साडे नाल रल के बहुत किया मनजीत सिंह होरां ने पर एक बेनती मनजीत सिंह नूं भी करते हैं भी दुआबे वालियां तो कट्ठियां कर लियो तुसीं छेती छेती जिहड़ियां दुआबे दीआं जथेबंदियां इन्हां दे एक बनाए दे आपां आउण वाले दिनां च इक ताड़ी मार दिओ जोर दी क्योंकि जे सत सत की एक बनाती सत चौका अठाई पहला चार बन गया उपर चार रह गई उन्होंने एक बना के हौली हौली फिर एक ही कर देंगे। सो असी सारे दे एके दे बधाई हैं हामी हैं असी चाहते हैं कि आपस साड़ी तकरार ना हो समाजिक मीडिया से साड़ी शैली उ हो जिस तरह के साडे किरदार हैं घटिया पद्धर से ना उतरीए अपने गाला कढ़निया बंद करिए जे लड़ना है तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ना अपने पिंड की लड़ाई लड़नी है अपने देश की लड़ाई लड़नी है अपनी कौम की लड़ाई लड़नी है। सो असी उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती ये संयुक्त मोर्चा भी अगले धरने तक इको मोर्चा होगा जिंदा ना हो पंजाब किसान मोर्चा। सो महाराज मेहर कर गज के आखो हाँ मजीद बोलूगा मजीद साढ़ा ही है। सो जी मैं थोड़ा गल दसनी है थोड़ा शायद नहीं पता जिदन का अंदोलन चल रहा है ये जोड़े साढ़े कबड्डी वाले नौजवान है जिनी सेवा इन्होंने करी है शायद नहीं किसी ने करी पर नौजवान है जिन्होंने कदे क्रैडिट ही नहीं लिया तो मैं इन्हों थोड़े रूबरू जरूर कराऊंगा मंगी अज दे इस महंगे दौर च कोई है जिहड़ा कम करके
अपनी पोस्ट या सैल्फी पा के ये क्लेम ना करे भी मैं ये काम करे, पर ये वो नौजवान है, ये बाबा गुरु नानक साहब के चरणों को समर्पित है, ये सिर्फ ते सिर्फ सेवा करते हैं। एक जयकारा कबड्डी वाले नाते बोले सोनिहा, सारे हाथ खड़े करके एक बारी मिस्टर प्राइम मैं मीडिया को बेनती करता कि साड़ियाँ फोटो न बनाओ, ये जो हाथ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया को भेजो कि असी एक कैमरे पीछे घुमाओ बाह उपर है भाई थोड़ी घुमा लो घुमा लो एक मिनट इतने ही रखियो कमाला पुत्रा कमाला संग लगती है जे पंजाबी हदा ते लड़ सकते हैं जे पंजाबी देश की राखी कर सकते हैं तो साढ़े को सबर भी बहुत है। बाबा गुरु नानक साहब ने सानू सिखाया है साढ़े च सबर भी बहुत है, तू सा सबर ना परख असी जित नहीं देवे तेरे आखिरी साह तक। साडा इको नारा है कि ये बिल तो वापस लेने पैने हैं, साड़िया कणक के मुल 7000 रुपए क्विंटल मुकर्र करना पैना है, साड़िया दाल के मुल मिथने पैने हैं। गज के आखो वाहगुरु जी का खालसा। जे ऐसे तरह साड़िया सिरमौर पंथक जथेबंदियां किसान जथेबंदियां कबड्डी वाले नौजवान गभरू, दूजी बेनती मैं होर करूँगा, पंजाब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है जेडे केस दिल्ली च रजिस्टर होए हैं वो केस इतने लियादे जा कि असी सुचजे ढंग का पैरवी कर सकी। सो साडे नौजवान जल्दी तो जल्दी बाहर आ जाए तो अगौं भविख असी कोशिश करिए शांति नाली जितीए शहीद आजम भगत सिंह के चरणों च मथा टेक के प्रण करिए कि अपने लिए नहीं अपनी कौम ते अपने कुनबे लिए लड़ांगे। सो दो शब्द मंजी बब्बू भाई ने कहा मान साहब ने कि आप दुआबे वाले तो कट्ठे हो गए तो आप पंजाब नू भी कट्ठिया करना है। भाई का पहले दिन तो यह कहना है कि आप सारे पंजाब वाले कट्ठे हो जाइए। मैं इस गल का हामी बनता है कि जे कट्ठे होना है तो जिहड़ी मेरी ड्यूटी लाओगे असं वो ड्यूटी निभावे, बेशक एक प्रधान हो जाए पूरे पंजाब का सानू कबूल है, कबूल है। बोलो सोनिहाल, एक नारा कबड्डी वाले वीर मैं कहूंगा पहले दिन तो जिहड़ी बब्बू भाई ने गल कही पहले दिन तो उत्थे बिल्कुल संतरी बन के ड्यूटी निभाई पर अज तक कदे फोटो नहीं खिंचाई। एक कबड्डी वाले वीर की देन है मंगी मेरा वीर नन्नी गोपालपुरिया मनजोत पाची वाला साडा टोनी वीर जेड़े संधु साहब पहले दिन तो ड्यूटी निभा रहे ने इन्होंने नाम से जकारा। बोलो सोनिहाल, यार बहाने करिया करते क्यों जो बाबे कहते निहाल हो जाए निहाल ही होना चाहते बुलाओ फिर जकारा। बोलो सोनिहाल, बाकी असी इस अंदोलन के शुरू तो जुड़े हैं, साढ़े कई भरा सारे जुड़े हुए हैं तो जिमें बाई जी ने कहा वा तो बाई जी के लक्ष्य कदम से चले चले हैं। इतने मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं आता पर फिर भी माड़ा मोटा दो शब्द कहूँगा जो जो पिछले कुछ दिनों होया वा। बाई ने यह गल कही सी जे तो सारे कट्ठे करते हैं फिर तो आवेंगे, जे कल्ले कल्ले करनी है फिर नहीं आते। तो बाई जी के कहते ही सारे कट्ठे हुए आ, जथेबंदियां भी कट्ठे हुई वा, सिख जथेबंदियां भी कट्ठिया हुई, नौजवान भी कट्ठे हुए आ। तो मेरे हिसाब न अज के एक तो वध के होर संदेश कोई नहीं जा सकता क्योंकि इतने हर एक साडा भरा वा, चाहे जेलों के चाहे बहर आ चाहे कि केस आड़ांगे। सारे का धन्यवाद, गज के आखो वाहगुरु जी का खालसा। अजे उठना नहीं अजे चलना काम, बापू इन्नी काली ना कर, बह जा हुण बह जा जिते इन्ने घंटे बैठे हैं होर बैठो। अजे होर साडे वीर ने अजे साडा सिपी पंछी जी होर साडे सज्जन बीबी आई है, सो सिपी सिपी आ जावे अगली रूपरेखा मनजीत होनी दसणगे। सो गज के एक बार फिर बाबे के चरणों च वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।